हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू चैप्टर फॉर क्लास 10th। चैप्टर नंबर इज 10, सरमन एट बनारस। देखिए बेटा, ये जो चैप्टर है इसका जो सोर्स है वो क्या है, एक कॉलेज रीडर से इन 1975 ये जो चैप्टर है ये लिया गया है। इसके राइटर का नाम नहीं है तो आप इसके राइटर का नाम लिख सकते हैं अनॉनिमस। अनॉनिमस मतलब क्या होता है, अज्ञात। बिफ़ोर यू रीड, देखिए बेटा आपको पहले बिफ़ोर यू रीड में एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी क्या है कि आपको एक डिक्शनरी यूज करनी है और अपने टीचर की हेल्प से इन फॉलोइंग जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने की, डिस्कस करने, बातचीत करनी है। सबसे पहले सरमन क्या होता है। सरमन मैंने जैसे कि बताया आपको एक उपदेश होता है, लेकिन ये लेक्चर और किसी भी बातचीत से अलग होता है। इज इट डिफरेंट? यस, ट्रूली इट इज़ डिफरेंट। दिस वर्ड कैन बी यूज इन अ नेगेटिव वे और एज ए जोक। नो, सरमन मीन्स अ रिलीजियस, यानी कि एक धार्मिक उपदेश, यानी कि जो महात्मा बुद्ध ने एक्नॉलेजमेंट यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए दिए थे, उनको सरमन कहा जाता है। प्रीच करना उपदेश होता है, भाषण होता है, प्रीचिंग करना जो है होता है, लेक्चरिंग करना उपदेश होता है, प्रीच करना होता है किसी भी चीज़ के बारे में, एक्नॉलेजमेंट देना, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान को बढ़ावा कर देना। अब ये जो वर्ड यहाँ पर हैं, ये सारे वर्ड आपको कहाँ पर मिलेंगे, चैप्टर के बीच में मिलेंगे। उस वक्त आप इन वर्ड्स के मीनिंग को क्या कर लेंगे, अपने पेंसिल से अपने बुक में नोट डाउन कर लेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। गौतम बुद्ध, ये उसकी बर्थ डेट दी हुई है 563 BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट से 483 BC उनका जन्म हुआ। यहाँ पर 483 BC में उनकी डेथ हो गई। बिगिन लाइफ एज ए प्रिंस, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कैसे करी, एक प्रिंस के तौर पर की, एक राजकुमार के जैसे की, और उस वक्त उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था। कहाँ पर थे वो राजकुमार, इन नॉर्थन इंडिया, उत्तरी भारत में, एट 12। और जब वो 12 साल के थे, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग। स्कूलिंग का मतलब उस वक्त क्या होता था, गुरुकुल में भेज दिए जाना। इन द हिंदू स्क्वेर्ड स्क्रिप्चर्स होते, स्क्वेर्ड का मतलब होता है पवित्र, स्क्रिप्चर्स होते ग्रंथ। फॉर 4 years लेटर ही रिटर्न्ड होम टू मैरी अ प्रिंसेस, और अपने स्कूलिंग के 4 साल के बाद वो वापस आए। और वापस जब वो आए 12 के बाद 4 साल, यानी कि अब जब वो 16 साल के हो गए, तो वो आए वापस और उन्होंने शादी की एक प्रिंसेस से। दे हैड अ सन, और उनका एक बेटा हुआ। लिव्ड फॉर 10 years एज बेनिफिट रॉयल्टी, और 10 साल तक उन्होंने कैसा जीवन जिया, बिल्कुल राजा के जैसा उन्होंने जीवन यापन किया। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और जब नियर अबाउट, एट अबाउट का मतलब क्या होता है, जब वो नियर अबाउट 25 years के हो गए थे, द प्रिंस हेयर टू फोर स्लिडेड फॉर द फ्रॉम द स्प्रिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। हेयर टू फोर का मतलब होता है अब तक, स्लिडेड करना उसकी प्रोटेक्शन करना, उसकी रक्षा की गई थी किस चीज़ से, फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार में दुख है, तकलीफ है, उन दुख तकलीफों से उसको अलग रखा गया था, उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, जब वो हंटिंग के लिए यानी कि शिकार के लिए बाहर गए तो उन्हें चांस मिला। ये इम्पोर्टेंट है कि किस चीज़ ने उनके माइंड को क्या कर दिया, बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर दिया। तो जब वो हंटिंग के लिए गए तो उन्हें चांस मिला एक बीमार आदमी से मिलने का। उसके बाद नंबर 2 पे मिले वो एक एज्ड बूढ़े इंसान से। देन ही सॉ अ फर्नल प्रोसेशन। फर्नल प्रोसेशन क्या मतलब होता है, जो दहा संस्कार है, दहा संस्कार की जो प्रोसेशन है, जो यात्रा है, जर्नी है, वो जर्नी उन्होंने देखी। फाइनली अ मॉन्क, और आखिरकार उन्होंने एक मॉन्क को देखा, एक संत को देखा, क्या करते हुए, बैगिंग करते हुए, किस चीज़ के लिए, फॉर आर्म्स। आर्म्स यानी कि भीख मांगते हुए उन्होंने एक संत को देखा। These sights so moved him that he at once went out in the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. ये जो नज़ारे थे, यानी कि ये जो 4 चीज़ें उसने देखी, कौन कौन सी चीज़ें देखी, सबसे पहले सिक मैन, देन ओल्ड मैन, देन फर्नल प्रोसेशन, एंड इन द लास्ट अ मॉन्क।
तो इस चीज़ से वो इन नज़रों से इतना ज़्यादा मूव्ड हुआ, इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त अपने रॉयल्टी को, अपने किंगडम को छोड़ दिया और वो बाहर निकल गया संसार में। ये एनलाइटमेंट का मतलब होता है मोक्ष भी होता है और क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति भी होता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए कि कंसर्निंग द शोरो, ये जो दुख तकलीफें हैं इनका कारण क्या है, उसकी ज्ञान प्राप्ति के लिए जो उसने विटनेस की थी, देखी थी, उनके लिए वो निकल जाता है बाहर। अब देखिए, जब वो एनलाइटमेंट के लिए बाहर निकले, ही वैंडर्ड फॉर 7 ईयर्स। वैंडर्ड करना घूमते रहना, वो घूमते रहे कितने सालों तक, 7 सालों तक घूमते रहे। फाइनली ही सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। आपको कहीं पर इसका विक्ट्री भी मिलेगा, तो कहाँ पर, वो 7 सालों तक घूमे और उसके बाद पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे बैठ गए। वेयर ही वॉक्ड टू स्टे अंटिल ही गेट अक्नॉलेजमेंट। और उन्होंने ये कसम खाई कि जब तक उन्हें क्या नहीं मिल जाता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। अनलाइटमेंट आफ्टर 7 डेज। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, कब, 7 दिनों के बाद, यानी कि 7 सालों तक घूमे और उन्हें निश्चय कर लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, वो उस पेड़ के नीचे से नहीं उठेंगे। तो उसके 7 दिनों के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रीनेम्ड द ट्री बोधि ट्री। और उसके बाद जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस पेड़ का उन्होंने क्या नाम रख दिया, बोधि ट्री रख दिया। इट्स का मतलब क्या होता है, ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का वृक्ष। एंड बिगेन टू टीच एंड द शेयर द न्यू अंडरस्टैंडिंग। और उन्होंने शुरू कर दिया टीच करना, शेयर करना, यानी कि फैलाना। जो उन्हें एक नए ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उस नए ज्ञान को उन्होंने दूसरे लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। एट द पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकन्ड और द एनलाइटमेंट। और अब थोड़े दिनों के बाद ही बिकेम नोन एज, वो जाने जाने लगे, किसके नाम से, बुद्धा के नाम से उनको जाने जाने लगा। द बुद्धा का मतलब क्या होता है, ये मीनिंग आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज मेंट बाय बुद्धा, द अवेकंड और द एनलाइटमेंट, यानी कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिसको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। अब ये सर्मन वर्ड की, उन्होंने अपना जो सर्मन है, पहला सर्मन बनारस में दिया था, जिसकी बात हो रही है। द मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेज ऑन द रिवर गंगा। और ये जो बनारस है, ये सबसे जो पवित्र, गंगा नदी के किनारे पे जो सबसे पवित्र जगह है वो मानी जाती है। जो सर्मन है, हैज़ बीन प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व्ड का मतलब संरक्षित, सुरक्षित अभी भी वहाँ पर है। इज गिवन हियर, जो उस वक्त वहाँ पर दिया गया था। इट रिफ्लेक्ट्स, ये दिखाता है द बुद्धाज विजडम, बुद्धा की विजडम को, उनकी बुद्धिमता को। एंड अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ स्प्रिंग्स। और एक तरीके से बुद्धा की जो विजडम है, किसके बारे में, एक जो इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है जो रहस्यमय काइंड है, यानी कि कारण है, किसका, दुख का, तकलीफ का, उनके इस विजडम को, इस प्रति वो रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है, जो सर्मन उन्होंने यहाँ पर दिया था। देखिए बेटे, ये तो आपका एक क्वेश्चन बनता है, और सेकंड क्वेश्चन, ये दूसरी स्टोरी है। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आपको महात्मा बुद्ध के बारे में क्या पता है, कैसे उन्हें एनलाइटमेंट मिली एंड ऑल दैट, तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन ये बनता है। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन इसका क्या बनता है, किसा गौतमी के, हु वॉज किसा गौतमी, हाउ डिड ही गेट द नॉलेज that death and decay are common to all. So let us start our second part of that chapter. किसा गौतमी वाज हैड ओनली वन सन। किसा गौतमी जो है, उसका सिर्फ एक बेटा था और उसकी मृत्यु हो गई। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, शी कैरिड द डेड चाइल्ड, उस मरे हुए बच्चे को वो लेके जाती है कहाँ पर, टू ऑल हर नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के पास, और आस करती है, क्या मेडिसिन मांगती है। द पीपल सैड, लोग कहते हैं, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेज, कि उसने अपने सेंस खो दिया है, वो पागल हो गई है। द बॉय इज डेड, लड़का तो मर चुका है। एट लेंथ, और एट लेंथ का मतलब क्या है, लास्ट में वो एक ऐसे इंसान से मिले, किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर रिप्लाई किया। उसने क्या कहा, आई कांट गिव दी का मतलब क्या होता है, यू, मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता, फॉर दाय का मतलब योर, तुम्हारे बेटे के लिए, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जाता हूँ, एक ऐसे जो है डॉक्टर को जानता हूँ, जो इसकी दवाई दे सकता है।
द गर्ल सेड प्रे टेल मी, प्रे का मतलब मैं आपसे विनती करती हूँ, बताइए सर हु इज इट, वो कौन है। द मैन रिप्लाइड गो टू श्याका मुनि द बुद्धा, जो शाक्या मुनि बुद्धा है उनके पास जाइए। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू बुद्धा एंड क्राइड, वो उसके पास गए और चिल्लाए लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, कि भगवान और मास्टर कुछ ऐसी मेडिसिन दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने आंसर दिया, क्या कहा, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड होते हैं जो सरसों के सीड्स यानी कि बीज चाहिए, दाने चाहिए, कितने, अ हैंडफुल यानी कि एक मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड, वो प्रोमिस कर देती है, क्या करना यानी कि जुटाना, इकट्ठे कर लेना, जब उसने प्रोमिस कर दिया कि हाँ मैं ये एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड इकट्ठे कर लूँगी, बुद्धा ने एडिट करते हुए क्या कहा, मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड हस्बैंड पेरेंट और फ्रेंड। तभी बुद्धा ने कहा कि मस्टर्ड सीड ऐसे घर से लाने हैं जिसके घर में किसी बच्चे की, किसी के पति की, किसी के माता पिता की, किसी के दोस्त की मृत्यु नहीं हुई है। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो एक घर से दूसरे घर जाते रहे, पीपल पेटेड हर एंड सैड, वो उसके ऊपर दया दिखाते रहे लोग और क्या कहे, हियर इज मस्टर्ड सीड, ये रहे सरसों के बीज, टेक इट, ले जाओ। बट वेन शी आस्क्स, लेकिन जब वो उनसे पूछती, डिड अ सन और अ डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, कि क्या कोई बेटा बेटी माता पिता आपकी फैमिली में मरा है, तो उनका आंसर होता अल्लास द लिविंग आर फ्यू, कि जो जीवित हैं वो कम है, एंड दैट आर मैनी, और जो मर चुके हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारा जो गहरा दुख है उस दुख को दोबारा से याद मत दिलाओ। देर वॉज नो हाउस बट सम बिलीव्ड वन हैड बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, कोई भी ऐसा घर नहीं था यहाँ पर, इसका मतलब जिसमें उनके किसी प्यारे की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी वेरी का मतलब होता है थक जाना, टायर्ड हो जाना, होपलेस आशाहीन हो गई। फाइनली सी सेट एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, उसके बाद फाइनली जो शहर की बाहरी जो सड़क है उसके ऊपर वो बैठ गई और क्या देखने लगी, जो शहर की लाइट्स हैं रोशनी है उनकी तरफ देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड, फ्लिकर्ड का मतलब फड़फड़ाना, जब वो जल रही थी धीरे धीरे फिर वो फड़फड़ाना शुरू कर देती हैं। एंड वर एस्ट्रिंग्यूस्ड अगेन, एस्ट्रिंग्यूस्ड होना यानी कि बुझ जाना, वो बुझ जाती हैं, और जैसे ही वो रोशनी बुझती है, एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ नाइट, जो रात का अंधेरा है, रिगेन करना होता है छा जाना, हर जगह छा गया। सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और उसने समझा जो मैन है जो मनुष्य है उसके फेट को उसके भाग्य को उसने समझा, दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि उनका जीवन भी ऐसा ही पहले फड़फड़ाता है और उसके बाद बुझ जाता है यानी कि ख़त्म हो जाता है। सो शी थॉट टू हरसेल्फ, और उसके बाद वो स्वयं सोचती है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, जो मृत्यु है वो सभी के लिए एक समान है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, वैली का मतलब होता है इस संसार में, कैसे संसार में डेसोलेशन, निर्जनता के या तन्हाई के या सुनापन जो होता है इस संसार में, देर इज अ पाथ, यहाँ पर एक रास्ता ऐसा भी है, दैट लीड्स हिम टू इमोरेलिटी, इमोरेलिटी का मतलब होता है अनैतिकता की तरफ लेके जाता है। हु हैज सलेंडर्ड ऑल द सेल्फिशनेस, और जो ये रास्ता है वो रास्ता, उस रास्ते पर सारे के सारे जो सेल्फिशनेस है स्वार्थीपन है उसको सिलेंडर कर दिया जाता है, उसको त्याग दिया जाता है। एक ऐसा भी रास्ता है जो दूसरे यानी कि मृत्यु के बाद दुख तकलीफों के बाद एक जो ज्ञान की प्राप्ति है उसकी तरफ लेके जाता है। बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मोर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड इन पेन, क्या कहा कि जो मॉर्टल हैं, मॉर्टल होते हैं नाशवान, इमॉर्टल होते हैं अमर अजर। तो जो लाइफ है मॉर्टल की वो लाइफ कैसी होती है, इज ट्रबल्ड, दुख से तकलीफों से भरी हुई होती है, ब्रीफ छोटी होती है, कंबाइंड विद पेन दुख तकलीफों से भरी हुई होती है। एंड फॉर देयर
For there is not any means by which those have been born can avoid dying. यानी कि क्या बताया बुद्धा ने कि जो मोर्टल है नाशवान है उनका जीवन तो क्या है कंबाइंड है पेन से छोटा सा है मुसीबतों से भरा हुआ है और कोई रास्ता नहीं है उनके पास जिससे वो बच सकें क्या करने से डाइंग होने से मृत्यु से बच सकें. आफ्टर रीचिंग ऑल्ड एज जब वो वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं देयर इज डेथ तो नेचुरली वहाँ पर डेथ है मृत्यु है. ऑफ सच एन नेचर आर लिविंग बींग्स जैसा कि बाकी भी जो नेचुरल चीज़ें हैं लिविंग बींग्स हैं जीवित हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है. एंड जैसे कि राइप फ्रूट्स यानी कि जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं फल होते हैं आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग वो हमेशा किस में रहते हैं डेंजर में रहते हैं खतरे में रहते हैं किस चीज़ के किसी भी वक्त गिरने के खतरे में रहते हैं. सो मॉर्टल्स इसी तरह से जो मॉर्टल हैं जो नाशवान हैं जिनका व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ यानी कि जिनका जन्म हुआ उन्हें हमेशा डर रहता है किस चीज़ का मृत्यु का. एज ऑल द अर्थन वेशल्स अर्थन क्या होते हैं मिट्टी के बने हुए वेशल्स यानी कि बर्तन मेड बाय द पॉटर जिनको क्या बनाता है कुम्हार बनाता है. एंड इन बीन ब्रोकन उनका अंत क्या है अंत में उन्हें टूट ही जाना है. सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स बिल्कुल ऐसा ही जीवन किसका होता है मॉर्टल्स का होता है. ये दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कौन से दो एग्जाम्पल्स हैं एक राइप फ्रूट का है और दूसरा किसका है दूसरा है अर्थन वेशल्स का. बोथ यंग एंड अडल्ट जो यंग हैं जो बच्चे हैं अडल्ट युवा हैं बोथ दोज हु आर फूल्स जो मूर्ख हैं दोज हु आर वाइज जो बुद्धिमान हैं ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ उन सभी को गिरना होगा यानी कि उन सभी को सामना करना ही होगा चाहे मूर्ख हैं चाहे बुद्धिमान हैं चाहे छोटा है या बड़ा है उन्हें मृत्यु का सामना करना होगा. ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ सब्जेक्ट यानी कि किसकी तरफ लेके जाना है सभी को मृत्यु की तरफ ही जाना है सभी का जो है जन्म ही मृत्यु के लिए हुआ है सब्जेक्ट हैं ये सभी मृत्यु की तरफ ही जाते हैं. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ और जो वो जो डेथ से ओवरकम कर लेता है यानी कि जो डेथ के सफरिंग से दुख तकलीफ़ों से ऊपर उभर जाता है डिपार्ट फ्रॉम लाइफ जीवन से दूर हो जाता है. आप फादर कांट जैसे कि बताया कि अगर डेथ आएगी तो आप फादर कांट सेव हिज सन कोई पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता. नोर किन्समैन्स देयर रिलेशन किन्समैन्स होते हैं रिलेटिव जो रिलेटिव हैं या हमारे दूसरे रिलेशन में हैं वो कोई भी हमें मृत्यु से नहीं बचा सकते. मार्क ये देखिए वाइल्ड रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन जब रिलेटिव्स देखते हैं लेमेंटिंग करते हैं लेमेंटिंग करना होता है विलाप करना रोना डीपली जोर जोर से रोते हैं वन बाय वन मॉर्टल आर कैरिड ऑफ चाहे वो कितने ही जोर से रोएं लेकिन जो मॉर्टल हैं वो तो मृत्यु को प्राप्त हो ही जाते हैं. लाइक एन ऑक्स बिल्कुल किसके जैसे एक ऑक्स के जैसे ऑक्स का मतलब होता है एक बैल के जैसे जिसको लेके जाया जाता है इज लेड टू द स्लाटर स्लाटर का मतलब क्या होता है कसाई की तरफ या बलि की तरफ जिस तरीके से किसी पशु को लेके जाया जाता है बिल्कुल वैसे ही चाहे रिलेटिव्स रोते रहें लेकिन जो मोर्टल हैं उनको मृत्यु मिलती ही रहेगी. सो द वर्ल्ड इज एफिलिएटेड विद द डेथ इसीलिए जो वर्ल्ड है वो क्या है एफिलिएटेड है यानी कि दुख से भरा हुआ है किसके डेथ एंड डिके मृत्यु और पतन से भरा हुआ है. देयर फॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी भी मृत्यु के ऊपर दुख प्रकट नहीं करते क्योंकि नोइंग द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड उन्हें संसार के टर्म्स का पता होता है संसार के रूल्स का पता होता है. नोट फॉर वीपिंग नोर फॉर ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड ना तो रोने से ना ही दुख प्रकट करने से कोई भी प्राप्त कर सकता है ऑब्टेन करना प्राप्त करना पीस यानी कि शांति PEACE है बेटा यानी कि शांति अगर दूसरा आई वाला होता है तो उसका मतलब होता है टुकड़ा. कोई भी शांति प्राप्त नहीं करता मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकता रोने से या दुख प्रकट करने से ऑन द कॉन्ट्रेरी यानी कि इसके विपरीत क्या होता है His pain will be greater, his body will suffer.
उसका जो पेन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसका जो शरीर है उसे शरीर को उस दुख से सफ़र करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, वो क्या कर लेगा, रो के दुख प्रकट करके अपने आप को बीमार कर लेगा, पीला पड़ जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, लेकिन उसके बाद भी उसके लैमेंटेशन से, उसके विलाप से, उसके रोने धोने से उसके जो डेथ हैं, डेड हैं यानी कि जो मृत हैं, वो वापस नहीं आते। ही हु सीक्स पीस, यानि कि एक वो जो सीक्स करता है, खोजता है, शांति की तलाश करता है, शुड ड्रा आउट, उसको क्या कर देना चाहिए, सबसे पहले ड्रा आउट करना, बाहर निकाल देना, किसको, द एरो यानी कि एक जो बाण है हमारे अंदर, जो एक सोच है ऑफ लैमेंटेशन यानि कि रोना, विलाप करना किसी की भी मृत्यु पर, कंप्लेन शिकायत करना, ग्रिफ दुख तकलीफ में रहना। अगर हम शांति की तलाश करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे अंदर से जो एक एरो है लेमेंटेशन का, कंप्लेन का, ग्रीफ का, उसको बाहर निकाल देना चाहिए। ही हु हैज ड्रोन आउट द एरो, और ये वो जिसने इस एरो को, लेमेंटेशन, कंप्लेन एंड ग्रीफ के एरो को बाहर निकाल दिया है, हैज बिकेम कंपोज्ड विद ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वो कर लेता है, कंपोज्ड कर लेता है किसको, जो मन की शांति है वो शांति उसे प्राप्त हो जाती है। ही हु हैज ओवरकम ऑल शैरो, और जो सभी दुख तकलीफ़ों से ऊपर आ जाता है, सभी दुख तकलीफ़ों के कारण को समझ लेता है, विल बिकम फ्री फ्रॉम शैरो, तो वो दुख से भी आज़ाद हो जाते हैं, एंड बी ब्लेस्ड, और उसको ब्लेस्ड होने से, उसको फलने फूलने से, प्रॉस्पर्स होने से कोई भी क्या नहीं कर सकता है, कभी रोक नहीं सकता है। सो दैट चैप्टर गिव्स अस द वेरी कॉमन मैसेज दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल, एंड दोज हु हैज टेकन बर्थ दे विल हैव टू डाई, यानी कि जिन्होंने जन्म लिया है उनकी मृत्यु निश्चित है, और किसी की मृत्यु के ऊपर विलाप करने से क्या नहीं हो सकता, कि जो डेड वंस हैं दे कांट बी अलाइव, वो जीवित नहीं हो सकते हैं। सेकंड चैप्टर में जो आपका ये जो पार्ट है किसा गौतमी का, इसमें आपको डेथ से रिलेटेड, हाउ इज डेथ इज कॉमन टू ऑल जस्टिफाई इन द चैप्टर द सर्मन एट बनारस, इस तरह से क्वेश्चन बन के आता है, और इसका मैसेज भी यहाँ पर लास्ट में ही दिया हुआ है। इसके अलावा बताया कि जो बुद्ध है उसने जो ह्यूमन बींग्स या मॉर्टल्स की लाइफ है उसको किससे कंपेयर किया है वो भी बताया, पहली बार कंपेयर किया था राई फ्रूट से, सेकेंडली कंपेयर किया है किससे, अर्थन वेशल्स की वेसल से। उसके बाद क्या बताया कि लेमेंटेशन, ग्रीविंग करना क्या नहीं कर सकता है, किसी भी डेथ को अलाइव नहीं कर सकता है, सो वी शुड अवॉइड लेमेंटेशन एट द डेथ ऑफ आवर बिलव्ड वंस।